तो देखो गाइज, अगर ग्रीन निंजा के बारे में बात की जाए तो यार ग्रीन निंजा की रिटर्निंग काफ़ी सीरीज में नहीं हुई है। एंड देखो, एक लास्ट सीरीज थी उसकी XYZ, जिसके अंदर वो रिटर्न हुआ था। बाकी उसके बाद कोई भी सीरीज में हमें ग्रीन निंजा नहीं दिखाया गया। एंड जब उस दो सीरीज के अंदर ग्रीन निंजा दिखाया गया एंड उसके जब इतने सारे अटैक्स हमें देखने को मिले, तो भाई ग्रीन निंजा पॉपुलर एनिमे यानी कि पॉपुलर पोकेमॉन्स की लिस्ट में आ गया। बिकॉज इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी ग्रीन निंजा की, एंड अभी तक भी ग्रीन निंजा की डिमांड है कि उसे एक्स वाई यानी कि जर्नी सीरीज में भी दिखाया जाए XY की तरह। तो देखो गाइज, इस पे पोकेमॉन कंपनी ने भी कोई कुछ आपका एक्शन लिया, जिसके कारण अभी हमें इस वीक यानी कि इस मंथ के अंदर काफ़ी सारे मर्चेंडाइज जो कि ग्रीन निंजा के ऑफिशियल मर्चेंडाइज है वो देखने को मिले। तो चलिए फिर उन मर्चेंडाइज को देखते हैं। तो फर्स्ट मर्चेंडाइज हमें देखने को मिला ये, जो कि अभी ट्वीट है यानी कि 1 आवर अगो ये ट्वीट किया गया था। एंड देख लो तुम लोग खुद, इसके अंदर ग्रीन निंजा का मर्चेंडाइज है। एंड लेट्स इट्स कंफर्म्ड होता है कि भैया ग्रीन निंजा रिटर्न आने वाले हैं जर्नी सीरीज के अंदर। तो इससे एक बात कंफर्म होती है कि हमें एक ग्रीन निंजा देखने को मिलने वाला है आने वाली कुछ सीरीज़ के अंदर। बिकॉज तुम लोग खुद ट्वीट से देख सकते हो कि यार अभी तक हमें ग्रीन निंजा का कोई भी ट्वीट नहीं किया गया था। एंड हमें अभी ट्वीट और उसके मर्चेंडाइज देखने को मिले हैं, और ये भी नहीं कुछ और मर्चेंडाइज देखने को मिले थे जो कि आप सभी के कुछ सामने आए, एंड ये हमें मर्चेंडाइज देखने को मिले थे। तो बेसिकली इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि आने वाली सीरीज़ के अंदर हमें ग्रीन निंजा तो देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो ग्रीन निंजा किसका होने वाला है। तो देखो, बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग वो ग्रीन निंजा एस कैचम का ही होने वाला है। बिकॉज यार तुम लोगों को पता है कि ग्रीन निंजा की कितनी डिमांड है, एंड इस सीरीज़ को वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ बनाया जा रहा है। तो जिस वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड तुम लोगों को पता है कि डिमांड बढ़ती है, एंड जब हमें TRP गेन करनी होती है, जैसे कि कुछ भी हो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ानी होती है, तो उसके अंदर मेन कैरेक्टर को भी तो रिटर्न करवाना पड़ता है। तो जिस वजह से हो सकता है कि गल्लार रीजन के अंदर एस कैचम का ग्रीन निंजा भी रिटर्न हो जाए। बिकॉज हमारी तो यही एक विश है कि ग्रीन निंजा और सरीना भी रिटर्न हो, यानी कि आप सभी को भी यही विश करनी चाहिए कि ग्रीन निंजा और सरीना जल्द रिटर्न हो एनिमे सीरीज के अंदर। और फाइनली अगर और अपडेट्स के बारे में बात की जाए, तो बेसिकली कोई भी अपडेट अभी निकल के नहीं आ रहा है। एंड बेसिकली 64 एपिसोड्स में हमारा एक और करेक्टर रिटर्न होने वाली है, जो कि एक फीमेल लेडी है, वो भी काफ़ी अच्छी करेक्टर से। तो काफ़ी दम के उसे पॉपुलैरिटी देना, बिकॉज काफ़ी यानी कि काफ़ी सीरीज़ के बाद में वो रिटर्न होने वाले हैं। बेसिकली उस एपिसोड यानी कि 64 एपिसोड एक कमाल का एपिसोड होने वाला है। तो बेसिकली इतनी ज़्यादा आपको डिटेल्स थी, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, बट इसे पहले की तरह सपोर्ट करना, ताकि मैं सोचूं कि मेरी ऑडियंस भी कितनी अच्छी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छी लगे तो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, आराम से कर लेना सब्सक्राइब, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।